हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीपल का बोनसाई बनाने का ट्रिक बताएंगे, वो भी रूट और रॉक बोनसाई कैसे बनाएं इसका। तो दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसको हमने एक साल पहले हंटिंग करके लाया था। एक पत्थर के किनारे में उसमें लगा हुआ था, उसको हमने निकाल के लाया। और पहला स्टेज यही होता है दोस्तों बोनसाई बनाने का, पहले सबसे पहले रूट को डेवलप होने देंगे। रूट पहले बढ़ेगा, उसके बाद भी हम ब्रांच का कटिंग करेंगे। तो हम जब पॉट में लगाए थे उसी टाइम हम इसका ब्रांच कटिंग कर दिए थे। ब्रांच कटिंग करने के बाद आप देखे हो कि एक एक ब्रांच से दो दो और ब्रांच आया। फिर इसको हम फिर कटिंग करेंगे तो ये घना होते जाएगा। ये सेकेंड स्टेज होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज मेन रूट काटने का। तो हुआ क्या कि जब हंटिंग कर रहे थे हम, तब ये रूट तो ऑलरेडी पहले से ही कट चुका था। तो बोनसाई का पहले स्टेज यही होता है कि इसका रूट को काटना पड़ता है। तो इसका रूट तो ऑलरेडी कट चुका है, तो हम काटेंगे नहीं। तो अब इसको हम कैसा पत्थर में इसको कैसे जकड़ेंगे, इसका रूट को हम आगे दिखा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड, इस प्लांट को हम फंगिसाइड में पूरी तरीके से डुबाए हैं ताकि जड़ इसका खराब मत हो, फंगस मत आए। और फिर से हम इसमें जहाँ पे कटिंग वाली जगह था पिछले साल का, वहाँ पे फंगस ना आए करके फिर से हम फंगिसाइड डाल रहे हैं। और कुछ देर हम रखेंगे इसको, उसके बाद फिर पत्थर में जकड़ेंगे। रूट को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा साइज किधर अच्छा लगेगा ये सारा देखना पड़ता है। तो इसको हमने पत्थर पे इसके सारे जड़ को लपेट दिया दोस्तों, और बांध दिया है पूरी तरीके से रस्सी से, ताकि जड़ इसमें पूरी तरह से चिपक जाए, इधर उधर ना फैले। अब इसके बाद हम ये कॉटन का कपड़ा है, इसको पूरी तरीके से और लपेट देंगे। तो सारा हम इसको कपड़े को पूरी तरीके से लपेट दिया है। अब इसमें हम मिट्टी डाल रहे हैं। उसके बाद ये हमने एक और कवर रख डाला है इसको, थोड़ा सा छोटा हो गया था इसलिए। अब हम इसको मिट्टी को पूरी तरीके से कवर कर दे रहे हैं। और इसके बाद इसमें पूरी तरीके से पानी डाल दें, और ध्यान रखें कि अब इस प्लांट को 15 दिन तक हम छांव वाली जगह में रखेंगे, कड़ी धूप में नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।